जुआ व लॉटरी के धंधे से जुड़े 7 आरोपी धराए। पालोजरी थाना क्षेत्र के कोलगी बहियार से मंगलवार शाम पुलिस टीम जुआ खेल रहे और अवैध लॉटरी का धंधा संचालित करते 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 87,127 रुपये नगद, 3.95 लाख की कीमत का लॉटरी टिकट, 1 कार, 6 मोबाइल, ताश की गड्डी, प्लास्टिक का तिरपल जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपितों पालोजी थाना के पोखरिया गांव के अशरफ अंसारी, ठेंगाटी के रोशन कुमार शाह, नवाड़ी गांव के विजय कुमार शाह, बदिया मोड़ के इजहार अंसारी, तादुमका जिले के जरमुंडी थाना के वासुनाथ के संतोष महाराणा एवं सिद्धार्थ कुमार गुप्ता एवं बिरनाथ गांव के श्यामदेव मिर्दा शामिल है। पूछताछ के दौरान उन लोगों का भी नाम सामने आया है जो पुलिस को देखकर वहां से भाग निकलने कामयाब रहे। पुलिस उन लोगों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। बुधवार को SDPO धीरेन्द्र बंका ने कहा कि SP को मिली सूचना और उनके निर्देश पर थाना प्रभारी कुमार गौरव के नेतृत्व में SI नंदू पेरा शशिकांत कुमार ने अन्य पुलिस के सहयोग से घेराबंदी कर 7 आरोपियों को धरदबोचा। 26 अप्रैल को दोपहर में इस तरह की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पालाजोरी थाना अंतर्गत कोलगी एरिया में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, लॉटरी का धंधा संचालन कर रहे हैं। तो पुलिस अधीक्षक देवगर महोदय के निर्देश पर थाना प्रभारी पालाजोरी ने छापामारी कर 7 लोगों को जुआ खेलते हुए, लॉटरी का धंधा करते हुए गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 87,170 रुपये, 3,95,000 रुपये के लॉटरी के टिकट, 5 बाइक उनकी, 1 कार, ताश की गड्डी, कई पीस, 6 पीस मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके विरुद्ध कांड दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? ये गिरफ्तारी कोलगी पालाजोरी थाना अंतर्गत कोलगी बहियार के पास से हुई थी। ये सभी अभियुक्त कुछ पालाजोरी के रहने वाले हैं, कुछ जरमुंडी के रहने वाले हैं।